आलमी वबा के बायस जासूसी की दुनिया में एक नई जंग भी शुरू हो चुकी है। मुतादिद ममालिक की खुफिया एजेंसियां कोरोना वैक्सीन की मालूमात चुराने के लिए मुतहरिक हो गए। दुनिया भर में लगभग 33 लाख अफराद को मुतासर करने और 2,33,000 से ज्यादा इंसानों की जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार करने की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब दुनिया के दर्जनों ममालिक की खुफिया एजेंसियां भी इसमें कूद पड़े हैं। जी हाँ, बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की मालूमात चुराने के लिए एक खुफिया साइबर जासूस जंग शुरू हो चुकी है और हर मुल्क की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह इस जंग में बढ़तरी हासिल करे। रिपोर्ट में अमरीकी खुफिया इदारे का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमरीकी साइबर सिक्योरिटी के इदारों ने हुकूमत और तिब्बी तहकीक पर काम करने वाले इदारों को खबरदार किया है कि कोरोना से मुतालिक वैक्सीन की तैयारी का डेटा किसी वक्त भी चोरी किया जा सकता है, लिहाजा हर मुमकिन हिफाजती इंतजामात किए जाएं। अमरीका के इदारे नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर की डायरेक्टर बिल ओनियाना ने दीगर ममालिक का नाम लिए बगैर ही बात की, ताहम उन्होंने चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया और कहा कि वो भी अमरीकी तिबी तहकीकाती इदारों का वैक्सीन से मुतालिक डाटा हासिल करने की कोशिश कर सकती है।